आज हम उसके बारे में उसके आंसर की को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि जो क्वेश्चंस के आंसर है वो क्या रहने वाले हैं तो जल्दी से सब लोग सेशन में जुड़ जाएंगे सेशन को लाइक like शेयर कर देंगे मुझे पता है कि जिन बच्चों ने बीबीएससी का पेपर दिया है आज उनके माइंड में उतल पुतल चल रही होगी कि पता नहीं कौन से क्वेश्चन का आंसर जो हम लगा के आ गए हैं वो सही होगा या नहीं होगा क्योंकि इन लोगों के लिए मैंने एक कॉम्प्लिकेटेड चीज देखी है और वो कॉम्प्लिकेटेड चीज क्या है कि जनरली जो यूपी वाले बच्चे होते हैं उनके पेपर में या तो ए होता है या तो बी होता है या तो सी होता है या तो डी होता है और जो डी होता है अगर वो ए बी सी में से दो हो या तो फिर आपका आंसर क्या लग जाता है ऑल ऑफ द अबव लग जाता है अब इन लोगों के पेपर में पांच ऑप्शन आते हैं और पांच में तीन ऑप्शन्स तो अलग अलग होंगे ही होंगे चौथा होता है एक से अधिक और पांचवा होता है इनमें से कोई नहीं तो इनके लिए तो जो स्टूडेंट एक कंफ्यूजन है ना वो मल्टीपल कंफ्यूजन में बदल जाता है तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ जुड़िएगा चलिए क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को बताती जाती हूं जिस बच्चे का सेट मुझे मिला है ये सेट है एंड इसमें पिक्चर क्लियरिटी थी सो so मैंने ये वाले सेट से जो आंसर की है वो बनाई है एंड देन मैं आप लोगों को आंसर की फटाफट फटाफट बताती जाऊंगी एंड देन आप लोग क्वेश्चंस के आंसर को नोट करते जाइएगा ठीक है ना तो सबसे पहला जो हमारे सामने क्वेश्चन है वो क्या लिखा हुआ है चलिए मैं आपको बता देती हूँ सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने हम देखेंगे कि क्या है ठीक है ना चलो ध्यान से देखो स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है द यान विच रन पैलर टू द दैलविच जो सेल्वेज यानी कि किनार के साथ साथ चलता है मैं आपको बहुत ज्यादा लंबा डिस्कशन नहीं करूंगी यहां पे क्योंकि मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रही हूं मैं जस्ट आपको आंसर बताती जा रही हूं। तो यहां पे आप लोग देख सकते हैं कि आपके क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा वार्पयान क्योंकि जो वार्पयान होता है स्टूडेंट्स वो कौन सा होता है लंबाई की दिशा में होता है ये सबको पता है कि जो वार पियान है वो कौन सी दिशा में होता है लंबाई की दिशा में आपको देखने के लिए मिलता है जो आपका वार पियान होता है ठीक है ना फिर आप देख सकते हैं फिनिशेस फिनिशेज आर अप्लाइड टू द फैब्रिक बाय इक्विपमेंट सच एस कॉपर प्लेट इस पे फोकस करो कॉपर प्लेट सिलेंडर्स एंड टेंटरिंग फ्रेम्स सो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या होगा मैकेनिकल फिनिशेस क्योंकि जो मैकेनिकल फिनिशेस होती हैं वो ही आपकी इन चीजों से होती हैं आपकी केमिकल फिनिशेस इन चीजों से नहीं होती हैं ठीक है ना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे द एक्चुअल प्रोसीजर ऑफ प्लेसिंग द फिलिंग इनटू द शेड इज इसे किस नाम से जानते हैं पिकिंग के नाम से जानते हैं ओके okay? इसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स पिकिंग कहते हैं देन व्हिच फिनिशेस रिमूव प्रोट्रूडिंग एंड्स ऑफ फाइबर्स टू प्रोड्यूस अ क्लियर स्मूथ एंड यूनिफॉर्म सरफेस इज कॉल्ड सिंजिंग्स ओके सो आपका आंसर बन जाएगा ये स्कोरिंग एंड ब्लीचिंग को हम क्या कर देंगे एलिमिनेट कर देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा इन निटिंग द कॉलम ऑफ इज दैलर टू द लूप एक्सिस यहाँ पे क्या लिखा है जो लूप एक्सिस के पेलर होते हैं ध्यान से देख लीजिए स्टूडेंट्स आपको mention है कि जो लूप एक्सिस के पैलर होते हैं वो कौन से होते हैं तो वो आपके वेल होते हैं ओके ध्यान से देख लीजिएगा जो आपके लिखा हुआ है यहाँ पे जो आपके लूप एक्सिस के पेलर होते हैं वो क्या होते हैं वेल होते हैं फिर आया आप लोगों का एक और क्वेश्चन मर्चराइजेशन इम्प्रूवमेंट इन यानी कि जो आपकी की फिनिशिंग होती है वो किस चीज में इंप्रूवमेंट करती है मोर देन वन ऑफ द अब क्योंकि वो लस्टर में डाइन में स्ट्रेंथ में तीनों में इंप्रूवमेंट करती है ठीक है ना तो मोर देन वन ऑफ द अब आपका हो जाएगा सही आंसर इन नॉन वुमेन फैब्रिक मेड फ्रॉम वूल फाइबर इज वो आपका क्या होता है फेल्टिंग होती है यानी कि जब हम बिना बुने ऊन से कपड़ा बनाते हैं तो उसे फेल्टिंग कहते हैं ठीक है फैब्रिक कोटेड विद रबर ऑक्सीडाइज ऑयल और वॉर्निश प्रोसीजर इज कॉल्ड क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट यहाँ पे आप लोगों का वॉटर प्रूफ फिनिशिंग ठीक है इसको हम किस नाम से जानेंगे वॉटर प्रूफ फिनिशिंग के नाम से जानेंगे एंड जिन बच्चों को आप लोगों का ये पेपर जो है ये हिंदी में आपको चेक करना हो तो क्वेश्चन सेम है बट नंबर हर बच्चे के सेट में आपको अलग अलग मिलेंगे तो ये आप लोगों का इंग्लिश वाले क्वेश्चन है मैं आंसर आपको बताते जा रही हूं क्योंकि तो जिस बच्चे ने मुझे क्वेश्चन पेपर दिया है जो मैंने आंसर्स तब तक रेडी कर लिए थे सो मुझे इंग्लिश में ही मिल पाया क्लियरिटी के साथ में इसलिए मैंने जो हिंदी वाला पोर्शन है वो उसमें नहीं डाला है सिर्फ इंग्लिश वाला डाला है ठीक है चलिए आगे ध्यान से देखिएगा ये रहा यहाँ पे द सब्सटेंस विच डिटरमाइंस द इंटेंसिटी ऑफ ब्रियंस और कलर इन द डाई मॉलिक्यूल इज जो डाई मॉलिक्यूल है उससे रिलेटेड क्या होता है सो so, ऑक्सोक्रोम भी होते हैं कोमोफोर भी होते हैं एंड बेसिकली ये क्वेश्चन ना टीजीटी पीजीटी का है ही नहीं ये क्वेश्चन है आपका यूजीसी नेट का ठीक है ना तो इसलिए मैं कहती थी कि यूजीसी नेट की जो क्लास होती है वो टीजीटी पीजीटी में बहुत हेल्पफुल होती है तो ये भी आप ध्यान रखिएगा बिफोर स्टोरिंग क्लोथ वन मस्ट इंश्योर डेथ आपके क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा ऑल ऑफ द यानी कि कपड़ों को अच्छे से क्लीन करो ड्राई करो उनके हर एरिया को अच्छे से चेक कर लो एंड उसमें कोई दाग धब्बा लगा हुआ है तो उसको हटा दो ठीक है ना आगे देखिए डाइंग ऑफ रॉ फाइबर इज कॉल्ड हम रॉ फाइबर जो होता है उसकी डाई करने को क्या कहते हैं स्टेक डाई कहते हैं बेसिकली स्पेलिंग यहाँ पे गलत रखी हुई है इसको स्टॉक कहते हैं ठीक है ना तो स्पेलिंग या मिस्टेक है द मेथड इन व्हिच द सेम चिल्ड्रन आर री एग्जामिन एट इंटरवल्स थ्रू आउट द चाइल्डहुड एंड एडोल्सेंट ईयर इज कॉल्ड यानी कि जहां पे सेम बच्चे को अलग-अलग स्टेजेस -अलग में एग्जामिन किया जाता है उसे क्या कहते हैं मेथड को उस मेथड को हम लोंगिट्यूडनल मेथड कहते हैं जब किसी एक चीज का अध्ययन बार-बार किया जाता है और जब क्या करते हैं स्टूडेंट हम बहुत सारी चीजों का अध्ययन करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं क्रॉस सेक्शनल कहते हैं ठीक है ना नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे केयर लेबल्स ऑन रेडीमेड गिव इंफॉर्मेशन ऑन जब आप कपड़ों पे जो लेबल लगा हुआ होता है उसको देखते हैं तो वो किस चीज से संबंधित जानकारी देता है मोर देन वन ऑफ द अब वो कैसे प्रेस करनी है कैसे सुखाना है कैसे धोना है इन सभी चीजों से संबंधित जानकारी देता है डेवलप्ड मोस्ट ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल लर्निंग थियरी सो सीधा सा आंसर है ओके ध्यान से देख लीजिएगा आपका सीधा सा आंसर बन जाएगा जिन्होंने आपकी सोशल लर्निंग थियरी बताई है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे लर्निंग बेस्ड ऑन रेनफोर्समेंट और पनिशमेंट आपकी वो लर्निंग जो कि रेनफोर्समेंट पे और पनिशमेंट पे बेस्ड होती है उसे ऑपरेंट कंडीशनिंग के नाम से जानते हैं ठीक है वर्ड मोरल कम्स फ्रॉम द लेटिन वर्ल्ड मोरोस ठीक है ना क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा मैनर्स हो जाएगा Next question देखो, यानी कि जब आपको कोई काम करने में मजा आए तो उन एक्टिविटीज को आप क्या कहते हो उनको आप रिक्रिएशनल एक्टिविटीज कहते हो मनोरंजनात्मक आपकी गतिविधियां कहते हो ठीक है वॉट इज ट्रू ऑफ फिलोसोफी ऑफ एक्सटेंशन एक्सटेंशन की फिलोसफी से रिलेटेड क्या है मोर देन ऑफ संसाधन मानती है लोगों को डेमोक्रेटिकली है. है और होती होती है सहभागी होती है गतिविधि ठीक है वॉट डिटरमाइंस वन पर्सन एबिलिटी पैटर्न बेसिकली वॉट डिटरलिटी पैटर्न आपको बताना है कि किसी की पर्सनैलिटी पैटर्न को बताने वाला कौन है सेल्फ कॉन्सेप्ट भी होता है इंडिविजुअलिटी भी होती है ट्रेड भी होता है सो मोर देन वन ऑफ द अब द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सटेंशन इज टू डेवलप पीपल थ्रू एजुकेशन इकोनॉमिकली कल्चरली सोशली सो आपके क्वेश्चन का आंसर है मोर देन वन ऑफ द अबव यानी कि एक्सटेंशन की हेल्प से आप लोगों को इन सारे एरिया में सक्षम बनाने की कोशिश करते हैं ठीक है ना क्वेश्चन देखिए द चॉइस ऑफ एक्सटेंशन टीचिंग मेथड डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ द ऑडियंस द टाइम अवेलेबल द लोकेशन ऑफ द टारगेट ऑडियंस मोर देन वन ऑफ द अब ठीक है ना ये आपका बनेगा सही आंसर द इंस्ट्रूमेंटल द इंस्ट्रक्शनल डिवाइज यूज टू कम्युनिकेट मैसेज मोर इफेक्टिवली थ्रो साउंड एंड विजुअल आर ऑडियो विजुअल एड्स यानी कि एक ऐसी डिवाइस जिसकी सहायता से आप कम्युनिकेट कर सकते हैं जो आपको दिखाई भी देती है सुनाई भी देती है उसको ऑडियो विजुअल एड्स कहते हैं मैथड डेमोस्ट्रेशन इज एन एक्सटेंशन टीचिंग मैथड फॉर ग्रुप जो एक्सटेंशन में डेमोस्ट्रेशन मैथड होता है वो किसके लिए होता है ग्रुप के लिए होता है इनल एरिया वेयर पावर आर कॉमन विच विजुअल मैथड कैन बी सक्सेसफुली यूज अगर गाँव में बार बार लाइट आती है और जाती है ठीक है ना यह ध्यान रखिएगा अगर गाँव में बार बार लाइट आती है और जाती है तो कौन सा ऑडियो विजुअल एड सबसे ज्यादा हेल्पफुल रह सकता है तो है पपेट शो ठीक है ना ध्यान से देख लीजिएगा जो सबसे यूजफुल रहेगा वो क्या है पपेट शो है लीफलेट्स फोल्डर बुलेटिन न्यूज लेटर जर्नल एंड मैगजीन आर मैथड यूज टू रीच मास मतलब मास पॉपुलेशन जो आपके पैम्पलेट होते हैं लीफलेट होते हैं इन सब का आप यूज कब करते हो एक्सटेंशन में जब आपको बड़े ग्रुप को टारगेट करना होता है मतलब मास एजुकेशन मतलब बेसिकली आपका मास ग्रुप को टारगेट करना होता है तो सबसे छोटी यूनिट है एक व्यक्ति उससे बड़ी यूनिट है ग्रुप और उससे बड़ा है मास ठीक है ना ये आपको ध्यान रखना है कम्युनिकेशन सिस्टम इमेंडेड इन द कल्चर एंड अ पार्ट ऑफ अ रूरल सोशल इन्वायरमेंट कॉमनली यूज इन इंडिया इज क्या चीज का यूज ज्यादातर करता है एक तो ड्रामे का और एक फोक मीडिया का इसलिए आपका आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द अब ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल कम्युनिकेशन इनग्रीडियंट इज मोर देन वन ऑफ द अब उसमें स्पीच भी आती है स्पीकर भी आता है और ऑडियंस भी आता है ये आपके एरिस्टोटल के मॉडल के अकॉर्डिंग है ठीक है ना चलिएगा आगे नेक्स्ट आंसर देखिए रूलर सोशियोलॉजी इनवॉल्व रूरल सोशियोलॉजी में क्या आता है जब ऑब्वियस बात है ग्रामीण समाज शास्त्र की बात हो रही है तो ह्यूमन रिलेशनशिप इन अ रूरल सिचुएशन सिंपल यानी कि आप मानवीय संबंधों के बारे में ग्रामीण परिवेश में अध्ययन करते हो इसी को रूरल सोशियोलॉजी कहते हैं स्मॉल न्यूक्लियर फैमिलीज नॉन एग्रीकल्चरल हैविंग वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स इंस्टीट्यूशन आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आंसर मेट्रोपॉलिटन सोसाइटी ओके ये बन जाएगा आपका करेक्ट आंसर ए फैमिली ओरिएंटेशन इन द फैमिली जो फैमिली आपकी ओरिएंटेशन वाली फैमिली होती है जो परिवार आप लोगों का जन्म का परिवार होता है उसे किस नाम से जाना जाता है ओरिएंटेशन फैमिली के नाम से जाना जाता है इन इन विच अ पर्सन इज बॉर्न ओके जहां पे व्यक्ति जन्म लेता है वही उसकी फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन होती है

फैमिली होती है इन वे इन वेर अ ग्रुप ऑफ पीपल आर रिलेटेड टू वन अनदर बाय बॉन्ड्स ऑफ ब्लड मैरिज और ब्लडर ठीक है ना जहां पे लोग रहते हैं एक साथ जो कि खून के रिश्तेदार होते हैं शादी से रिश्तेदार होते हैं और गोद लेने वाले रिश्तेदार होते हैं होमोगैमी रेफर्स टू द तो होमोगी का मतलब क्या होता है एक ऐसा शादी एक ऐसी मैरिज जहां पे इंडिविजुअल जो होते हैं उनमें सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं जैसे वो सेम जाति के हो सकते हैं सेम कल्चरल बैकग्राउंड के हो सकते हैं सेम रीजनल बैकग्राउंड के हो सकते हैं ये आपकी होमोगी कहलाती है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ए फैमिली स्ट्रक्चर इन विच बोथ पार्टनर शेयर पावर एंड अथॉरिटी इक्वली एक ऐसी फैमिली जहां पे दोनों पार्टनर इक्वली अपनी अथॉरिटी को शेयर करते हैं वो आपकी एग्लिटेरियन फैमिली कहलाती है जो सत्तावादी ना होके बेसिकली मैं कहूं तो ऐसी वाली फैमिली होती है जहां पे सबको सबकी अधिकार पूरे पूरे होते हैं किसी के अधिकारों को छीना नहीं जाता है ठीक है सिल्क साड़ी, विद सीन्स, स्टोरी फ्रॉम वेस्ट बेंगाल आपके क्वेश्चन का आंसर बालूचरी साड़ी ठीक है ना ध्यान से दे देख लीजिएगा क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा बालूचरी साड़ी फॉलोइंग रेफर टू कैरिंग फॉर अदर एंड गिविंग बैक टू द कमिंग जनरेशन बाय कैरिंग एंड शेयरिंग क्या कहते हैं स्टूडेंट इसको, इसको हम जनरेबिटी के भी नाम से जानते हैं और सेगमेंटेशन के नाम से भी जानते हैं सो मोर देन वन ऑफ द अब हो जाएगा आपका सही आंसर ठीक है ना आगे बढ़ते हैं वेन डिजाइन इज क्रिएटेड बाय रेजिस्टिंग द डाई विद द हेल्प ऑफ थ्रेड फ्रेड लिखा है हाँ पे धागे की हेल्प से जहां डिजाइन बनाया जाता है उसे एंड कहते हैं, ओके okay? जहां पे हम धागे की हेल्प से डिजाइन बनाते हैं उसको हम टाई एंड डाई कहते हैं एपिसोडिक मेमोरी कौन सी होती है ओके okay? जो एपिसोडिक मेमोरी होती है वो एक ऐसी मेमोरी है जो कि आपके एक्सपीरियंस से रिलेटेड होती है द मेमोरी डीलिंग विद रिमेम्बरिंग इवेंट और इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस एक ऐसी मेमोरी जो आपके इंपॉर्टेंट इवेंट को और आपके एक्सपीरियंस को होल्ड करके लगती है वो आपकी एपिसोडिक मेमोरी होती है ठीक है द आर्ट ऑफ ओल्ड टू मेक हाउस होल्ड आर्टिकल विद एम्ब्रॉयडरी इन की एम्ब्रॉयडरी कौन सी है कांथा होती है ठीक है ना ये ध्यान रखिएगा जो बेंगोल की एम्ब्रॉयडरी है आपकी वो कांथा होती है ठीक है विच ऑफ द फॉलोइंग इस माइक्रोन्यूट्रिय आपको बताना है माइक्रोन्यूट्रिय आपके इनमें से कौन से मैक्रोन्यूट्रिएंट है तो मैक्रोन्यूट्रिएंट कौन से होते हैं माइक्रो बायोलॉजिकल इन फूड तो आपका वायरस भी आता है वॉर्म भी आते हैं विविल भी आता है सो मोर देन वन ऑफ द अब हो जाएगा आपका सही आंसर ठीक है ना तो ये भी आंसर आपका ठीक हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन्स हेल्थ एज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट मेंटल फिजिकल एंड सोशल वेलबींग ओके आंसर क्या हो जाएगा मेंटल फिजिकल एंड सोशल वेलबींग यानी कि डब्ल्यू एच ओ ने जो स्वास्थ्य की परिभाषा दी है कि स्वस्थ कौन है जो शारीरिक रूप से मानसिक रूप से आपके मान लीजिए सांस्कृतिक रूप से ये सभी रूप से स्वस्थ है और जिसमें बीमारियों का अभाव है वो कौन होता है स्वस्थ होता है है ना, मेंटल फिजिकल एंड सोशल यहां पे ऑप्शन अब यानी कि जहां पे मेंटल फिजिकल एंड सोशल वेलबींग हो देखा जाए तो स्पिरिचुअली वेलबींग को भी काउंट कर लिया जाता है तो इसको भी प्लस कर लेते हैं तो आपके मोर देन वन ऑफ द अब आंसर हो जाएगा

और एक में सौ से ज्यादा तो आपके क्वेश्चन का आंसर बिलो हंड्रेड डिग्री और अब हंड्रेड डिग्री ये दोनों हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू मी तो मोर देन वन ऑफ द अब थोड़ा बहुत चेंज आपको किसी इक्का दुक्का क्वेश्चन के आंसर में मिल सकता है जब फाइनल आंसर की आएगी बट अभी मेरे अकॉर्डिंग में आपको जो आंसर बता रही हूं वो ये है विच ऑफ द फॉलोइंग फूड कंसिडर्ड रिच इन प्रोटीन इनमें प्रोटीन में रिच क्या होता है है ना ये आपको बताना है तो जो इनमें प्रोटीन में रिच आप लोगों को दिख रहा है वो क्या है देखो यहां पे ऑप्शन है आपके सामने मैंगो मेज एंड लेंटिल जो मेज है वो एक अनाज है और जो आपका लेंटिल है वो एक दाल है तो अगर हम देखें तो दाल और मेज दोनों ही अनाज में रिच हो सकते हैं सो मोर देन वन ऑफ द अब आपका आंसर हो सकता है क्योंकि वो अनाज है वो सीरियल है तो सीरियल में भी दाल आपका प्रोटीन होता है और इसमें भी प्रोटीन होता है ठीक है फ्रूट सच एज पियर्स आर रेज बाय जो आपके ड्राई आइटम आप खाते हो ना जैसे किशमिश ये सारे के सारे आप लोगों के इनमें से किस मेथड से प्रिजर्व किए जाते हैं तो डिहाइड्रेशन से भी करे जाते हैं केनिंग से भी करे जाते हैं और ड्राइंग से भी किए जाते हैं सो मोर देन वन ऑफ द अब आपका आंसर हो जाएगा येस yes, इस क्वेश्चन में ही ना थोड़ा सा मैं डाउटफुल हूं तो मैं इसमें लगा देती हूं कि थोड़ा सा डाउट में है हम क्योंकि मेज आपका सीरियल है एंड इट इज ऑल्सो कंटेन प्रोटीन तो यहाँ पे इसको भी सही माना जा सकता है और इसको भी प्लस कर दो तो इसको माना जा सकता है सो so ये आप लोगों का दोनों का डाउटफुल रहेगा डाइसी रहेगा ठीक है आगे देखिए स्टूडेंट्स व्हेन हाइट इज लेस देन एडिक्वेट फॉर एज इट इज कॉल्ड स्टंटिंग ओके जब आपकी हाइट जो है वो एज के अकॉर्डिंग कम होती है उसे बोनापन कहते हैं स्टंटिंग कहते हैं पेप्सिन इज एंजाइम फाउंड इन स्टमक जो पेप्सिन एंजाइम होता है, कहां पे मिलता है पेट में मिलता है ठीक है कौन सा आपका ऐसा है, जो कि दृष्टि के लिए एपिथिलियल टिश्यू के लिए एंड इम्यूनिटी के लिए यूजफुल रहता है ए, ठीक है? प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ ऑर्डरली कोहर चेंजेस इज कॉल्ड डेवलपमेंट यानी कि जो प्रोग्रेसिव एक्शन है जो लगातार चलता रहता है वो कौन है वो डेवलपमेंट होता है ठीक है ना ये ध्यान रखिएगा जो प्रोग्रेसिव एक्शन होता है वो डेवलपमेंट होता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हमेशा बताया है क्लास में ग्लूकोज गैलेक्टोज एंड सुक्रोज माल्टोज लैक्टोज। तो क्या है आंसर लेक्टोज ठीक है ना आगे देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है डेवलपमेंट दैट कम्स फ्रॉम एक्सरसाइज एंड एफर्ट इज कॉल्ड वो वाला डेवलपमेंट जो कि एक्सरसाइज से आता है एफर्ट से आता है उसे हम लर्निंग कहते हैं ठीक है ना आगे देखिए डाइजेशन ऑफ कुक्ड स्टार्च स्टार्ट इन माउथ कहां से स्टार्ट हो जाता है जो पका हुआ स्टार्च होता है उसका डाइजेशन कहां से स्टार्ट हो जाता है मुंह से स्टार्ट हो जाता है ठीक है इन अ नॉर्मल इन्फेंट वेट डबल्स इन सिक्स मंथ जो बच्चा है स्टूडेंट्स उसका जो वेट डबल हो जाता है कितने महीने पे हो जाता है छह महीने पे ठीक है एट थ्री मंथ ऑफ एज मोटर डेवलपमेंट माइल स्टोन डेवलपमेंट उसके अंदर होता है वो माइल स्टोन क्या हो सकता है स्टूडेंट्स कैन होल्ड देयर हैंड वो हाथ को पकड़ना शुरू कर देता है तो होल्ड देयर हैंड ये वाला जो काम है ये बच्चे में शुरू हो जाएगा जब बच्चा कितने का होगा तीन महीने का होगा ठीक है आगे देखिएगा अकॉर्डिंग टू नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल नौ महीने के टाइम पे ठीक है आगे देखो वॉट टेलीग्राफिक स्पीच मीन्स टेलीग्राफिक स्पीच क्या होती है जब बच्चा एक या दो शब्दों के सेंटेंसेस को बोलता है जिसमें वो अपने एंटायर मीनिंग को समझाने की कोशिश करता है ठीक है ना ये आपको ध्यान रखना है एबिलिटी टू यूज सिर्स कम अंडर विच एरिया ऑफ डेवलपमेंट बच्चा कैची को यूज कर सकता है ओके ये ध्यान रखिएगा जो बच्चा है वो कैंची को यूज कर सकता है ठीक है ना तो कैंची को यूज करना कौन सी स्किल्स में आएगा मोटर डेवलपमेंट में ठीक है ये ध्यान रखिएगा जो बच्चे का कैची को यूज करना है वो कौन सी स्किल्स में आता है मोटर डेवलपमेंट में आता है वेन द चाइल्ड फॉल्स बिहाइंड हेल्थी ग्रोथ पैटर्न द ग्रोथ कर चार्ट ऑफ डाउनवर्ड डायरेक्शन एक बच्चे का जो ग्रोथ हो रहा है वो जिस दिशा में होना चाहिए वैसे ना होके वो दूसरी दिशा की ओर जा रहा है ठीक है ना तो ये ध्यान रखिएगा इसको आप क्या कहेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन कहेंगे कि वो नीचे की तरफ गिर रहा है क्योंकि फॉल्स लिखा है कि वो बिहाइंड द फॉल्स हो रहा है तो वो आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है ठीक है बाय द एज ऑफ 6 द वोकैबुलरी ऑफ अ चाइल्ड इज अबाउट 12000 शब्द जो बच्चा है वो छह साल की एज तक ओके कितने शब्दों का भंडार जो है वो अपना बना लेता है है ना कितने शब्दों का भंडार बना लेता है तो लगभग 12000 का बना लेता है वैसे तो 13000 का बनाता है बट यहां पे आंसर है नहीं तो हम बारह हजार आंसर लगा देंगे ठीक है ना आगे देखिएगा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज एन इंडेक्स ऑफ मोर इंडेक्स होता है वो इन तीनों से रिलेटेड होता है जीवन प्रत्याशा से प्रति व्यक्ति आय से और आपकी साक्षरता से ठीक है ना तो तीनों आपके आंसर ठीक हो जाएंगे द डाइट ऑफ अ प्री स्कूल चाइल्ड शुड एम्फ आपके क्वेश्चन का आंसर ये है कि जो प्री स्कूल वाले बच्चे होते हैं उनकी डाइट कैसी होनी चाहिए एक ऐसी डाइट जिसके टेक्सचर अच्छे अच्छे हो टेस्ट अच्छा हो स्मेल अच्छी हो और कलर अच्छा हो क्योंकि इस टाइम पे बच्चा जो मतलब दिखने में अच्छा ना हो वो खाना खाना नहीं चाहता ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो डब्ल्यू एच ओ रिकमेंडेड एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग फॉर सिक्स मंथ डब्ल्यू एच ओ के अकॉर्डिंग जो स्तनपान है वो कब तक कराना जरूरी है छह महीने तक ठीक है इन फूड गाइड पिरामिड फूड ग्रुप ऑक्यूपाइज टिप ऑफ द पिरामिड इज फैट एंड शुगर जब आप बात करते हो अपने फूड गाइड पिरामिड की तो सबसे कम मात्रा में क्या लेना चाहिए यहाँ पे क्या आता है फैट एंड शुगर आते हैं ठीक है ना ये आप लोगों को ध्यान रखना है आगे नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसीज दैट में अकर इन चाइल्डहुड चाइल्ड प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन ओके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन ये वो आप लोगों की क्या है मेनली डेफिशिएंसी है जो कि चाइल्डहुड के टाइम पे बच्चों में देखने के लिए मिलती है एन ईटिंग ईटिंग डिसऑर्डर इन इन व्हेन दे इंडल्ज ओवर एंड इंड्यूसिंग बाय और यूजिंग इज कॉल्ड इसे किस नाम से जानते हैं बलमिया के नाम से जानते हैं यानी कि बलमिया आपकी वो प्रॉब्लम है जिसमें बेन जेटिंग होती है कि इंसान कभी तो बहुत ज्यादा खाता है और कभी उल्टियां करता रहता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा द स्पेशलाइज एरिया ऑफ न्यूट्रीशन विच न्यूट्रिशन ड्यूरिंग इलनेस बीमारियों के समय जो भोजन की व्यवस्था करने वाला विषय है वो कौन सा है क्लिनिकल न्यूट्रिशन भी है डायटेटिक्स भी है और मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी भी है तो ऑल ऑफ द अबब आपका आंसर हो जाएगा फिर देखो ड्यूरिंग कॉन्स्टिपेशन वन शुड टेक क्या लिखा हुआ है कॉन्स्टिपेशन के दौरान कैसी डाइट लेनी चाहिए हाई फाइबर डाइट लेनी चाहिए ठीक है? जो होती है वो कैसी होती है जो सॉफ्ट भी हो जिसमें बहुत ज्यादा मिर्च मसाले ना हो जो कि आपकी गैस ना बनाए जिसमें फाइबर ज्यादा ना हो तो आंसर हो जाएगा डी द बॉडी मास इंडेक्स इज अंडर वेट ह्यूमन इज जो अंडरवेट ह्यूमन होता है उसका जो बॉडी मास इंडेक्स होता है वो कितना होता है ये आपको बताना है तो देखिए यहां पे लिखा है ना जिसका बॉडी मास इंडेक्स 18.5 से कम होगा वो क्या कहलाता है स्टूडेंट्स आपका बेसिकली अंडरवेट कहलाता है 18.5 से ज्यादा वाला आपका नॉर्मल होता है मतलब 18.5 नॉर्मल है इससे कम जिसका होगा वो अंडरवेट होगा नेक्स्ट देखो ओवर वेट इज द कंडीशन वेयर बॉडी वेट इज ओवर वेट आपकी कौन सी कंडीशन होती है जब आपकी जो बॉडी है उसका वेट आपके जो एज है हाइट है जो आपका जेंडर है उसके अकॉर्डिंग 10 से 20 परसेंट ज्यादा हो जाता है तो इसको क्या कहते हैं ओवर वेट कहते हैं फिर लिखा है विच वन ऑफ इज द नॉन ह्यूमन रिसोर्स इनमें से नॉन ह्यूमन रिसोर्स कौन सा है मनी एंड टाइम तो मोर देन वन ऑफ द अब ओके ये ध्यान रखिएगा मनी एंड टाइम सो मोर देन वन ऑफ द अबव आपका आंसर हो जाएगा आइडेंटिफाई द दैरक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसोर्सेज रिसोर्सेज एक्सेसिबल भी होते हैं इंटरचेंजेबल भी होते हैं और ये उपयोगी भी होते हैं ठीक है ना सो so आंसर है मोर देन वन ऑफ द अबव आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे द टास्क ऑफ एंश्योरिंग आर प्रोड्यूसिंग द डिजायर रिजल्ट इज कॉल्ड इन मैनेजमेंट प्रोसेस इज कंट्रोलिंग जब आपको लग रहा हो कि जो काम आप कर रहे हो वो गतिविधि आपको एक सही रिजल्ट दे रही है तो उसको क्या कहते हैं कंट्रोलिंग करना कहते हैं द मोस्ट कॉमन प्लानिंग डिवाइस फॉर द यूज ऑफ मनी इज बजट ठीक है आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा ये रहा आपके सामने दैट रिजल्ट फ्रॉम द ओनरशिप एंड यूटिलाइजेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज ये क्या कहलाता है आपकी साइकिक इनकम कहलाता है जिसको हम क्या कहते हैं हम मानसिक आय के नाम से भी जानते हैं इस इनकम को हम किस नाम से भी जानते हैं मानसिक आय के नाम से भी जानते हैं टूल यूज इन मैनेजिंग द टाइम इफेक्टिवली इज आपको बताने हैं टाइम मैनेजमेंट के टूल कौन से होते हैं सो पीक लोड भी होता है वर्क कर भी होता है रेस्टिंग पीरियड भी होता है सो वन ऑफ द अब आपका आंसर ये सारे हो जाएंगे मोर देन वन ऑफ द ठीक है ना आगे देखिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने द प्रोटीन ऑफ द वूल फाइबर इज कैरेटिन जो ऊन का प्रोटीन होता है कौन सा होता है कैरेटिन होता है ठीक है ना कैरेटिन प्रोटीन पाया जाता है ऊनी फाइबर में विच लेवल ऑफ चेंज विल हेल्प इन द वर्क सिंप्लीफिकेशन अगर आपको कार्य सरलीकरण करना है तो किस चीज में बदलाव करना पड़ेगा आपको इन सभी में बदलाव करना पड़ता है अपने स्टोरेज एरिया में इक्विपमेंट में हैंड एक्टिविटी में बॉडी एक्टिविटी में एंड प्रोडक्ट में सब में चेंज करना पड़ता है ठीक है ए सॉफ्ट फजी लॉफी सरफेस रिजाम्बलिंग डेट ऑफ कैटरपिलर इन अ कॉम्प्लेक्स यान इज कॉल्ड ऐसे यान को हम चेनील यान के नाम से जानते हैं या सिनील यान के नाम से जानते हैं तो आपका ये आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सो ये था आप लोगों का बीपीएससी का आज का क्वेश्चन पेपर जिसमें थे आप लोगों के लिए जो क्वेश्चन थे होम साइंस के वो मैंने आपको जनरली बता दिए हैं आंसर्स। जो बच्चे हिंदी वाले हैं या जो और भी बच्चे हैं उन्हें ये आंसर्स तो सभी लोगों को जो है वो याद हो रहे होंगे है ना तो आंसर्स जो है वो क्वेश्चन को हिंदी में मैच कर लो एंड देन आंसर टिक करते चले जाओ क्योंकि आंसर्स तो आपको हिंदी में देख के एकदम समझ में आ जाएंगे कि कौन से हैं क्योंकि सब बच्चों के सेट में नंबर अलग अलग है क्वेश्चन ऊपर नीचे डाले हुए हैं किसी के भी नंबर सेम नहीं है तो ऐसा नहीं है कि आप नंबर अगर ये देख लोगे तो आपका काम चल जाएगा आपको क्वेश्चन तो पढ़ना ही पड़ेगा तो इसलिए मैं आपको बता रही हूं कि ये क्वेश्चन सबके सेट में ऊपर नीचे डले हुए हैं तो इनको चेक कर लीजिएगा ठीक है ना चलिए सो so मैं आपको एक बात और बता देती हूं कि पेपर में आई थिंक मुझे लगता है कि जिन बच्चों ने मेरी क्लासेस देखी हैं चाहे वो पेड क्लास हो चाहे वो आप लोगों की यूट्यूब uh, क्लासेस हो वो इतना तो जानते होंगे कि शायद उन्हें पेड क्लास से हेल्प मिली या नहीं मिली या उन्हें यूट्यूब क्लासेस से हेल्प मिली या नहीं मिली अगर हेल्प मिली है तो ये आप बेटर तरीके से जानते हो नहीं मिली तो भी आप बेटर तरीके से जानते हो तो आई होप आपका जो पेपर है वो अच्छा हुआ होगा एंड आप लोग सिलेक्शन को इंश्योर करोगे सो so, इसी के साथ हम सेशन को एंड करते हैं एंड आई होप आपको आप थोड़ी नींद आएगी पता चल जाएगा कि आपका कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ ठीक है सो बाय टेक केयर